अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यम यम फूड स्पॉट। तो आज मैं बनाने जा रही हूँ बिल्कुल डिफरेंट स्टाइल का मटन ढाबा कढ़ाई। तो चलें चलते हैं रेसिपी की तरफ। ढाबा मटन कढ़ाई बनाने के लिए सबसे पहले हम लेंगे एक पैन और उसके अंदर डालेंगे 3 से 4 कप पानी। इसके साथ ही हमने ले लिया है 1/2 kg मटन, बोन वाला है ये मटन इसके अंदर ऐड कर दिया हमने। 1 teaspoon सॉल्ट, 1 tablespoon लहसुन अदरक पेस्ट जो है इसके अंदर ऐड करके हम इसको सिंपल बॉईल होने के लिए रख देंगे, जब तक कि हमारा गोश्त टेंडर ना हो जाए। चाहे वो 15 मिनट में गले या 1/2 hour में जो है वो गले। सबसे पहले मैंने 1/2 cup ऑयल ले लिया है एक पैन में। आप चाहें तो इसको घी में भी बना सकते हैं, घी में इसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आएगा, लेकिन मैं जो है इसको ऑयल में बना रही हूँ। तो सबसे पहले हम एक पैन में ऑयल लिया हमने, उसके अंदर 1 teaspoon सफ़ेद ज़ीरा डाला। बहुत ही आसान और फटाफट बनेगा ये हमारा ढाबा मटन कढ़ाई। हम इसके अंदर ये 200 ग्राम मैंने जो है मिंस लिया है मटन का हैंड चॉप, इसको कटिंग बोर्ड पे रख के मोटा मोटा कूट लिया है हाथ से। साथ ही इसमें मैंने 1.5 tablespoon जो है वो जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है, वो ऐड कर दूंगी। और जब तक इसको पकाऊंगी तब तक कि हमारे कीमे का जो कलर जो है वो चेंज ना हो जाए। थोड़ा मीडियम फ्लेम करेंगे हम ताकि हमारा ये जिंजर गार्लिक पेस्ट और कीमा जो है वो फ्राई हो जाए, कीमे का कलर जो है वो चेंज हो गया हमारा और जिंजर गार्लिक पेस्ट भी फ्राई हो गया है 1 से 2 मिनट में। तो हमने फिर 5 से 6 अदद टमाटर लिए हैं लाल पके हुए, काट लिए हैं मैंने रफली, इसको मैं इसमें ऐड कर दूँगी। बहुत ही मज़ेदार और फौरन बनने वाली ये मटन कढ़ाई है, आप जब भी गेस्ट आएँ फटाफट इसको बनाएं और एंजॉय करें। टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो रहे हैं व्यूअर्स। तो हमने ये 1/2 kg मटन लिया था और सिंपल इसको पानी के अंदर मैंने नमक और अदरक लहसुन डाल के जो है 1/2 घंटा 45 मिनट गोश्त गल जाने तक उबाला था। तो ये इसके अंदर मैं ऐड कर दूँगी। इसके साथ ही मैं इसके अंदर 1 प्याली दही ऐड करूंगी और यहाँ मैंने लिए हैं कुछ मसाले। उसके अंदर सबसे पहले मैं डालूंगी 1 teaspoon या हसबे ज़ायका सॉल्ट, क्योंकि मैंने गोश्त बॉईल करने में भी 1 teaspoon नमक डाला था। 1.5 teaspoon चिल्ली फ्लेक्स, 1 teaspoon तलहार मिर्च है जो सिर्फ मैं कलर के लिए डालूंगी, इसकी मिर्ची नहीं होती तेज़, इसमें सिर्फ कलर होता है, तो ये आपकी कढ़ाई को बहुत ज़बरदस्त सा कलर देगा। 1/2 teaspoon में मैं डालूंगी ब्लैक पेपर, 1/2 teaspoon हल्दी, 2 tablespoon भर के भुना कुटा धनिया और 1 teaspoon भुना कुटा ज़ीरा, और इसको अच्छी तरह मिक्स करके 5 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे मैं इसको टमाटरों के गल जाने तक पकाऊंगी। तो मिलते हैं 10 मिनट के बाद। ये देखें व्यूअर्स, आफ्टर 10 मिनट्स हमारा जो है ऑयल सेपरेट हो गया है और टमाटोज भी जो हैं वो सॉफ्ट हो गए, मैश हो गए, और कीमा भी तकरीबन हमारा डन हो गया है, क्योंकि कीमा तो हमने कच्चा लिया था और मटन जो है हमने बॉईल कर लिया था तो ये गल गया था, तो इसलिए ये 10 से 15 मिनट हमने इसको दिए ताकि जो है हमारा ये गल जाए। अब इसमें हम क्या करेंगे, थोड़ी सी हमने स्लिट में हरी मिर्चें काटी हुई हैं और थोड़ा सा ये जिंजर हमने जुलेन कट ये ले लिया, वो इसमें ऐड कर देंगे। साथ ही इसमें हमने थोड़ा सा हरा धनिया काट के रखा है वो ऐड किया और इसको मिक्स कर दिया अच्छी तरह और तेज़ आंच करके इसको भून लेंगे।
तो व्यूअर देखें 10 से 15 मिनट हो गए, हमारा कीमा भी डन हो गया है, ऑयल सेपरेट हो गया है, मटन ढाबा कढ़ाई रेडी है। इसमें ये एक मेन ज़बरदस्त सी मैं आपको चीज़ दिखा रही हूँ, कसूरी मेथी सूखी हुई, ये मेन इसकी जान है। ये ऐड करेंगे थोड़ा सा जूलियन कट अदरक, थोड़ी सी इसके अंदर जो है हम हरी मिर्चें डालेंगे, और फिर हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा हरा धनिया। चूल्हा कर देंगे बंद, चले इसको डिश आउट करते हैं। तो व्यूअर्स तैयार है ज़बरदस्त सी मज़ेदार ढाबा मटन कढ़ाई, उम्मीद है आपको ज़रूर पसंद आएगी। तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको ये कैसी लगी, और मेरे चैनल यम यम फूड स्पॉट को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलें। अपना बहुत ख्याल रखें, अल्लाह हाफिज़।